गोंदिया के सांसद सुनील मेढे ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि कुनबी समुदाय के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और समाज के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज का हम पर और आप पर बहुत बड़ा ऋण है। हमें जीवन के रास्ते पर उस ऋण को चुकाना होगा। शुभांगी मेढे ने सैम कलम लॉन में कोजागिरी कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोंदिया के पूर्व विधायक और युवा कुनबी संगठन गोंदिया के अध्यक्ष रमेश कूटे और रूपेश कूटे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद गोंदिया के कृषि एवं पशु कल्याण अध्यक्ष रूपेश कूटे, पूर्व नगर सेवक बंटी पंचबुद्धे, राजू कूटे कुंडाई पंचबूदे, जनता सहकारी बैंक के निदेशक श्रीधर शिवनकर, अमर वरहाड़े, विजय भयकर, सूरज भयकर और सभी पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति समाज के लोग उपस्थित थे। आशा है कि समाज मदद करेगा। प्रतिभाशाली युवाओं और उद्यमियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। परिवार और बहु सखे समाज की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्नेहल सुनील तरूनी और ज्योत्ना भोजराम कोरे संचालनकर्ता थे और धन्यवाद ज्ञापन लीलाधर पाथोड़े ने किया। कोजागिरी के इस पावन पर्व पे जो पूरे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा उत्सव है और बड़ा हर्ष का विषय है कि युवा कुनबी संगठना के माध्यम से पूरे समाज बांधव को एकत्रित करके ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये युवा कुनबी संगठना के द्वारा गोंदिया शहर में विगत कई वर्षों से ये समाज को संगठित करने का शरद पूर्णिमा के माध्यम से बहुत अच्छा उपक्रम कुनबी समाज का विगत कई वर्षों से चालू है। मैं कामना करूंगा कि माँ लक्ष्मी ऐसी शरद पूर्णिमा में सभी समाज बंधुओं को उनका आशीर्वाद दे। कोजागिरी उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर सभी कुनबी समाज बंधु भगिनियों के साथ आयोजित किया गया है और इस कोजागिरी पर्व की मैं सभी हिंदू धर्म संस्कृति के रक्षक और मानने वालों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जैसे कोजागिरी स्वामी कुआ बरसों तक करते आए और कोजागिरी का महत्व इतना वो है कि बरसों से माननीय इस समाज के अध्यक्ष रमेश भाव कुथे, सचिव राजेंद्र फुंडे और सभी संचालक पूरे कुनबी समाज के बंधु भगिनी लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और पूरे जिले के कुनबी समाज के लोग। कोजागिरी का पर्व ही हम सबके लिए एक विशेष पर्व होता है जो हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा चांद को देखकर हम लोग इस दिन चांद हमारे दूध में विशेष अमृत डालता है, ऐसी हमारी धारणा है, परंपरा है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है।